तो अभी चलो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट बेटर प्रोटोकॉल विच इज द गो बैक एंड प्रोटोकॉल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हमने देखा कि एक ही पैकेट हम भेज रहे हैं उसका एक्नोलॉजमेंट आने तक हम वेट करते हैं तो वो स्टॉप एंड वेट हो गया तो हाउ टू मेक इट बेटर कैन वी सेंड मोर देन वन पैकेट एंड देन वेट फॉर द एक्नोलॉजमेंट राइट right? मतलब एक पैकेट भेज दिया उसका एक्नोलॉजमेंट के लिए वेट नहीं किया फिर और एक भेज दिया फिर और एक भेज दिया ऐसे करते करते जितना भी एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है और जितना हमारा स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम हमको अलाउ करता है उतना हम भेज दें क्या फिर बाद में एक अक्नोलॉजमेंट आए देखेंगे चलो दिस इज द बेसिक आइडिया फॉर गो बैक एंड लेट सी हाउ दिस वर्क ये जो है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है स्टॉप एंड वेट से द ओनली मेजर डिफरेंस जो है यहां पर ये सेंडिंग साइड का जो विंडो है ना इसका साइज वन हुआ करता था स्टॉप एंड वेट के प्रोटोकॉल में गो बैक एंड में इट कैन बी बिगर इट कैन बी मोर देन वन यहां पे देखो ये सेंडिंग साइड में क्या हुआ है देखो यहां पे कि ये फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट है ये पैकेट को हमने भेजा हुआ है लेकिन इसका एक्नोलॉजमेंट हमें मिला नहीं है हमने ये भी पैकेट भेजा इसका एक्नोलॉजमेंट भी नहीं मिला ये भी भेजा नहीं मिला ये भी तो चार पैकेट हमने भेजा है ये गो बैक एन प्रोटोकॉल में जिसका कि अक्नोलेजमेंट हमें मिला नहीं है ठीक है मान लो ये विंडो का साइज मैक्सिमम इतना है यहां से यहां तक तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पैकेट अन रह सकते हैं द मैक्सिमम साइज ऑफ द स्लाइडिंग विंडो इज सेवन इन दिस केस मतलब मैक्सिमम सेवन पैकेट कैन बी सेंट विदाउट गेटिंग एनी अक्नोलॉजमेंट तो यहां पे देखो जो एस एफ है दिस इज द फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट आउटस्टैंडिंग मतलब इसका एक्नोलॉजमेंट हमें मिला नहीं है एंड एस एन इज द नेक्स्ट पैकेट टू सेंड मतलब अगर एप्लीकेशन लेयर से डेटा आ गया फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर इफ यू गेट सम डेटा देन वी कैन ऑल्सो सेंड दैट पैकेट वी कैन ट्राई टू सेंड दैट पैकेट इफ द डाटा कम्स फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर बिकॉज स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू एक्सीड द सेंड विंडो साइज ठीक है हम इसको भी भेज सकते हैं देन वी कैन स्टिल कीप वेटिंग फॉर द एक्नोलेजमेंट वी कैन सेंड दिस वी कैन सेंड दिस आफ्टर सेवन पैकेट आर आउटस्टैंडिंग देन वी विल हैव टू वेट फॉर सम एक्नॉलेजमेंट टू कम ऑन द रिसीविंग साइड क्या हो सकता है द विंडो साइज इज स्टिल वन ओके एंड दैट विल ऑलवेज पॉइंट टू द नेक्स्ट पैकेट टू रिसीव जैसे गो बैक एंड में जब जीरो पैकेट आ गया

मैक्सिमम सेवन पैकेट्स कैन बी आउटस्टैंडिंग विदाउट एनी एक्नोलॉज मैक्सिमम इतने पैकेट्स भेज सकते हैं गो बैक एन में विदाउट गेटिंग एनी एक्नोलॉजमेंट ये एस एफ जो है ये फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट है मतलब ये पहला पैकेट है जो हमने भेजा था और इसका एक्नोलॉजमेंट अब तक आया नहीं है यह एस एन जो है वो नेक्स्ट टू सेंड है मतलब अभी एप्लीकेशन लेयर से हमें डेटा आया नहीं अगर आता है

कि स्लाइडिंग विंडो का जो साइज है उसके अंदर वो है ओके okay? ज्यादा नहीं भेजेंगे इससे ज्यादा नहीं भेजेंगे क्या होगा फिर फ्लो कंट्रोल नहीं हो पाएगा एंड दीज यू नो से यहां पे मान लो सीक्वेंस नंबर्स आर देयर फ्रॉम जीरो फिर जीरो होता है मतलब क्या एट सीक्वेंस नंबर आर देयर दिस इज इक्वल टू टू डर थ्री एंड सो एम इज इक्वल टू थ्री इन दिस केस देर आर एट यूनिक सिक्वेंस नंबर दैट इन दास्ट ओके नाउ दिसवन एंड जीरोप्ट नहीं हो सकता क्यों क्योंकि विंडो के बाहर है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या हुआ था जब एक्नोलेजमेंट नंबर वन आता था उसका मतलब क्या होता था सेंडर को यह लगता था कि जो पैकेट नंबर जीरो था

उसका मतलब क्या है गो बैक एन में अच्छा स्टॉप एंड वेट में क्या होता था वन अक्नोलेज नंबर आता था उसका मतलब जीरो पहुंच गया है जीरो आता था उसका मतलब वन पहुंच गया क्योंकि जीरो और वन ही दो ही सिक्वेंस नंबर पॉसिबल होते थे स्टॉप एंड वेट में गो बैक एंड में सीक्वेंस नंबर कैन बी मोर देन वन इन दिस केस देर गोइंग फ्रॉम जीरो टू सेवन राइट बिकॉज एम इज इक्वल टू थ्री टू टी फोर थ्री इज एट सो जीरो सो नाउ अक्नोलेजमेंट नंबर सिक्स आ गया है. सिक्स एक्नोलेजमेंट नंबर अगर रिसीवर से आ गया उसका मतलब यह है कि फाइव तक सारे पैकेट्स कंटिन्यूसली ऑल पैकेट्स अंटिल फाइव हैव बिन सक्सेसफुली रिसीव्ड एक्नोलेजमेंट नंबर सिक्स का मतलब इट इज स्टिल एक्सपेक्टिंग पैकेट नंबर सिक्स अगर एक्नोलिजमेंट नंबर छ आ गया उसका मतलब पांच तक सारे पैकेट्स उसके पास पहुंच गए जो अगला एक्सपेक्टेड पैकेट है जो आर जो कैपिटल आर का जो वैल्यू है ना दैट इज पॉइंटिंग टू सिक्स अप टू फाइव ऑल पैकेट नाउ इट इज एक्सपेक्टिंग पैकेट नंबर सो नाउ ये जो है ये फोर हुआ करता था नाउ सिम्स एंड अक्नोलेजमेंट नंबर वैल्यू ऑफ सिक्स रिसीव्ड बाई सेंडर दैट मीन्स पैकेट नंबर फोर एंड फाइव द रिसीवर

छे का एक्नोलॉजमेंट आ गया इसका मतलब क्या है मतलब चार और पांच पहुंच के छ अभी भी एक्सपेक्टेड है ऑन द रिसीवर साइड सिक्स स्टिल एक्सपेक्टेड सो वॉट वी कैन डू वी कैन स्लाइड द विंडो टू टाइम्स टू द राइट साइड क्या हो गया ये जो थ्री और फोर भी अभी विंडो के अंदर आ गए सो नेक्स्ट टू सेंड अभी एप्लीकेशन लेयर से आएगा देन यू नो वी विल ट्राई टू सेंड यू नो दीज थिंग्स इन सीक्वेंस बट जो हमारा जो एक्नोलॉजमेंट का जो एक्सपेक्टेशन था

ज स्टिल वन मतलब विंडो साइज इज वन ओके दिस इज नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपेक्टेड यू सेंड दैट ओके आई कैन नॉट रिसीव सिक्स सेवन अगर यू नो इफ दे हैव सेंड ऑन देंटर साइड फोर फाइव सिक्स सेवन ओके बट इट गॉट फोर एंड देन सिक्स फिर क्या होगा मतलब फोर मिल गया तो फाइव का एक्नोलॉजमेंट जाएगा दैट मीन्स फाइव इज द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट वो आया नहीं Six और आ गया, आ गया गया यू कैन नॉट रिसीव दैट इज गैप हम फाइव के लिए वेट कर रहे हैं पहले फाइव आना जरूरी है उसके बाद ही हम सिक्स और आगे तक जाएंगे सो इट विल एक्सपेक्ट ऑल द दैकेट टू कम इन सीक्वेंस ओके दैट्स द साइज इज ओनली वन एंड आर एन इज पॉइंटिंग टू दैट इज द नेक्स्ट पैकेट एक्सपेक्टेड एंड दैट इज एक्सैक्टली वट विल गो आउट इन द एक्लेजमेंट नंबर पहले स्लाइड में क्या था यहां पे एक्नोलॉजमेंट नंबर सिक्स था उसका मतलब क्या था कि फाइव तक सब कुछ हमारे पास है

क्वेंस नंबर एट ओके जीरो टू सेवन तक जाते क्योंकि यहां पर देखो जीरो से लेके सेवन तक जा रहा है फिर से जीरो हो रहा है सो द वैल्यू ऑफ एम इज बेसिकली थ्री बिकॉज टू डि थ्री इज एट ओके ये सब बेसिक चीजें है अभी कोई भी डेटा एप्लीकेशन लेयर से जो इनिशियल स्टेट में कोई भी डेटा एप्लीकेशन लेयर से अभी आया नहीं है दैट मीन्स द फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट इज पॉइंटिंग टू जीरो द नेक्स्ट पैकेट टू सेंड इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू जीरो अभी वो जीरो पैकेट भी गया नहीं है ओके चलो पैकेट अभी आ गया एप्लीकेशन लेयर से एंड वी सेंड दैट पैकेट टू द रिसीवर सो नाउ द फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट इज जीरो बिकॉज उसका भी एक्नोलिजमेंट हमें आया नहीं है एंड द नेक्स्ट पैकेट टू सेंड इज वन बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द एप्लीकेशन लेयर to send us that packet that is the next packet we will send if we get the data so sn is pointing to 1 and sf the first outstanding packet is 0 because wo packet humne bhej diya timer humne start kar diya ye jo timer hua karta tha stop and wait mein similar timer yahan pe bhi hai क्योंकि हम indefinitely wait नहीं कर सकते acknowledgement का अगर loss हो गया तो acknowledgement आया गया नहीं तो वी माइट हैव टू रीसेंड राइट इसीलिए टाइमर यहां पे भी इस्तेमाल होता है okay. वो packet आके receiver के पास आके पहुंचा

Receiver. So what it will do? It will stop the timer. the packet ka acknowledgement. Aa gaya. Then it will slide the window to the right. Why not? Because one packet has been handled successfully by the receiver, right? So we can then move the window to the right. Now, okay. Now packet number one comes from the application layer. We send that packet. Okay. It reaches the receiver. The receiver was expecting that packet. So now it will move its window.

यहां पे अगर एप्लीकेशन लेयर से इनफ़ डेटा हमारा विंडो के अंदर बफर के अंदर है तो वी विल तो की पैकेट वन का एक्नोलॉजमेंट इसके लिए इसने वेट नहीं किया इसके पास जब सेकेंड पैकेट पैकेट नंबर टू एप्लीकेशन इट एक्चुअली सेंड दैट पैकेट जब पैकेट नंबर थ्री आ गया इट ऑल्सो सेंड दैट पैकेट पैकेट वन टू थ्री ये सब कुछ उसने भेज दिया विदाउट वेटिंग फॉर एनी पर्टिकुलर एक्नोलॉजमेंट हाउ वॉज इट एबल टू सेंड ऑल दिस बिकॉज वो विंडो साइज के अंदर है यहां पे देखो ये विंडो साइज अभी जा रहा है वन से लेके सेवन तक तो वन आया भेज दिया टू आया भेज दिया थ्री आया भेज दिया लेकिन वन स्टिल कंटिन्यूज टू बी द फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट उसका तो acknowledgement आया नहीं ना अब तक ओके okay. तो अभी देखो ये एक्नोलॉजमेंट टू जो आया था यहां पे उसने जो जो रिसीवर ने भेजा था वो ड्रॉप हो गया लेकिन एक्नोलिजमेंट जो थ्री है वो आके यहां पे पहुंचा तो उससे क्या फायदा हुआ एक्नोलिजमेंट टू तो कभी आया नहीं लेकिन थ्री पहुंच गया इसका मतलब ये है कि जो रिसीवर है वो गारंटी देके बोल रहा है कि मैं एक्नोलिजमेंट थ्री इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि टू तक मेरे पास सब कुछ है ओके okay, तो अगर एक्नॉलेजमेंट टू टू भी अगर ड्रॉप हो जाता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर थ्री आ जाता है तो सेंडर को यह गारंटी मिलता है कि टू तक उसके पास सब कुछ पहुंच गया तो वेन एवर दिस एक्नॉलेजमेंट रीच एस व्हाट डज इट डू इसने ये विंडो को दो के बाद यू नो इफ इट मूवस इट आफ्टर टू बिकॉज इट इज गारंटीड बाई लुकिंग एट एक्नोलॉजमेंट थ्री दैट ऑल पैकेट ऑन टू तो जमेंट थ्री आया ना नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेज जब टू का पहुंचा तो उसने थ्री को स्लाइड करके थ्री का एक्नोलॉजमेंट भेजा आ गया तो फिर टू तक तो पहुंच गया यहां पे और ये इसके पास आके जब जब सेंडर के पास आके पहुंचा तो सेंडर ने क्या किया टू के बाद तक उसको मूव कर लिया सो इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे एक्नोलॉजमेंट आके सेंडर के पास पहुंचे कुछ अगर एक दो अगर ड्रॉप हो गए तो भी चलेगा जब एक्नोलॉजमेंट फोर आता है उसका मतलब ये गारंटी दे रहा है रिसीवर के पैकेट नंबर थ्री तक उसके पास पहुंच गया तो यू नो यू कैन मूव द विंडो आफ्टर थ्री और उसके बाद तो एप्लीकेशन लेयर से कुछ आया नहीं सो यू कैन वेट फॉर एप्लीकेशन लेयर टू सेंड यू ये टाइमर का क्या चल रहा था ये जब पैकेट नंबर वन भेजा तो हमने टाइमर को स्टार्ट किया फिर हमने टू भेजा थ्री भेजा यहां पे क्या हुआ वी रिसीव्ड वन अक्नोलेजमेंट सो वन यू रिसीव वन एक्नॉलेजमेंट यू रिस्टार्ट द टाइमर मतलब क्या मारे कुछ तो जा रहा है समथिंग इज गोइंग ऑन जब तक तो कोई एक्नोलेजमेंट नहीं मिला तब तक सेंडर को पता नहीं है कि अरे मेरा कुछ भी पैकेट जा रहा है नहीं जा रहा है क्या हो रहा है लेकिन जब एक अक्नोलेजमेंट आके कोई भी हो अगर आके पहुंच गया तो मतलब अरे अरे डेटा जा रहा है यू नो डोंट रिसेंड एनीथिंग जस्ट रिस्टार्ट द टाइमर चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे इनिशियल स्टेट में क्या हुआ है कुछ भी डेटा एप्लीकेशन लेयर से हमारे पास आया नहीं है नाउ पैकेट नंबर जीरो कम्स सो वी सेंड द पैकेट नंबर जीरो वी सेंड दैट पैकेट टुवर्ड्स द रिसीवर स्टार्ट द टाइमर ठीक है एंड द पैकेट रीच द रिसीवर द रिसीवर नाउ वेरीफाइज ओके पैकेट नंबर जीरो इज नॉट करप्टेड नेक्स्ट पैकेट एक्सपेक्टेड इज वन सो उसने एक्नोलॉजमेंट वन भेजा द एक्नोलॉजमेंट अराइव्स सो so, एक्नोलमेंट आ गया तो टाइमर को स्टॉप करो एंड नाउ कीप वेटिंग क्योंकि डेटा तो एप्लीकेशन लेयर से आया नहीं एप्लीकेशन okay, लेयर से भी पैकेट नंबर वन आके पहुंचा नाउ सेंड दैट पैकेट स्टार्ट द टाइमर सेंड दैट पैकेट पैकेट नंबर वन अभी गया बट दैट पैकेट गेट्स लॉस्ट ओके चलो हमको तो कोई एक्नोलॉजमेंट गो बैक एंड में डोंट वेट फॉर एनी पर्टिकुलर एक्नोलॉजमेंट कि एक का भेजा उसका आया उसके बाद ही दूसरे का भेजना है वो स्टॉप एंड वेट में होता था सो पैकेट नंबर टू ऑल्सो कम्स फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर टाइमर तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है नथिंग टू डू विल ओनली डील विद द टाइमर इफ सम कम्स और इफ द टाइमर टाइम्स आउट सो हम देखेंगे आगे जाके टाइमर टाइम आउट हो रहा है क्यों हो रहा है हम देखेंगे चलो पैकेट नंबर वन गया अभी पैकेट नंबर टू एप्लीकेशन ले से आया वी सेंड इट बट देन द रिसीवर इज गोइंग टू डिस्कार्ड दैट पैकेट वाई विस्कार्ड पैकेट नंबर टू अरे वो तो पैकेट नंबर वन को एक्सपेक्ट कर रहा है यहां पे इट विल नॉट एक्सेप्ट पैकेट नंबर टू इट विल ओनली एक्सेप्ट पैकेट नंबर वन पैकेट नंबर वन आने के बाद ही वो पैकेट नंबर टू को एक्सेप्ट करेगा उसका जो विंडो का साइज है वो वन इफ इट इज फिक्सेटेड अगर वो फोकस है उसका एक पैकेट मुझे चाहिए तो वो पैकेट नहीं आने तक वो आगे के पैकेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा गो बैक एन में ऐसा होता है तो जब पैकेट टू जाके पहुंचा दैट पैकेट इज गोइंग टू बी डिस्कार्डेड एंड एक्नोलमेंट वॉट विल कम अरे मुझे तो पैकेट नंबर वन चाहिए दट इज वट आई मुझे जीरो मिल गया था नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग पैकेट नंबर वन तो ये अक्नोलेजमेंट आके अभी पहुंचा वॉट इज देंडर गोइंग टू डू द सेंडर इज गोइंग टू डिस्कार्ड बिकॉज उसके पास तो पैकेट नंबर जीरो का जो एक्नोलॉजमेंट वन है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है सो द सेंडर इज गोइंग टू डिस्कार्ड देखो यहां पर एक्ट नंबर वन जो है वो आ चुका है सेंडर के पास बट सेंडर को ये नहीं पता ना कि पैकेट नंबर वन लॉस हो चुका है तो इसीलिए जब पैकेट टू जाके पहुंचा तो रिसीवर इज लाइक नो 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 आई आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग पैकेट नंबर वन सो एक् वन उसने भेजा तो ये एक् उसने डिस्कार्ड किया फिर पैकेट नंबर थ्री जब जाके रिसीवर के पास पहुंचा वो बोलता अरे थ्री क्यों भेज रहे हो मुझे तो वन ही चाहिए मेरे पास वन आया ही नहीं इट विल स्टिल सेंड एक्नोलॉजमेंट वन एंड देन द सेंडर इज ऑल्सो गोइंग टू रिजेक्ट दैट एक्नोलॉजमेंट ऐसे करते करते क्या होगा द टाइमर विल टाइम आउट एंड वेन द टाइमर टाइम्स आउट हाउ मेनी आउटस्टैंडिंग पैकेट पैकेट नंबर वन टू थ्री दीज इ थ्री आउटस्टैंडिंग पैकेट वाई आउटस्टैंडिंग क्योंकि इनमें से किसी का जो सही एक्नोलेजमेंट है वो आके पहुंचा नहीं है क्यों ये सब क्यों शुरू हुआ पता है क्योंकि पैकेट वन लॉस हो गया था तो व्हाट इट विल डू टाइम आउट हो गया इट विल सेंड ऑल द पैकेट्स अगेन पैकेट नंबर वन पैकेट नंबर टू पैकेट नंबर थ्री दिस टाइम लेटजर से पैकेट नंबर वन डज नॉट गेट लॉस्ड वो वो लॉस नहीं होता सो इट विल गेट टू द रिसीवर अब वो किसको एक्सपेक्ट कर रहा था वो पैकेट नंबर वन को एक्सपेक्ट कर रहा था पैकेट नंबर वन आ गया तो विंडो को वो राइट right को लेता है फिर एक्नोलॉजमेंट नंबर टू भेजता है टू जाके पहुंचता है तो वह एक्नोलॉजमेंट नंबर थ्री भेजता है थ्री जाके पहुंचता है वह जाके फोर भेजता है जब एक्नोलॉजमेंट टू आके सेंडर के पास पहुँचता है इट विल मूव द विंडो टू द राइट वेन एक्नोलॉजमेंट थ्री कम्स इट विल अगेन मूव इट टू द राइट क्योंकि थ्री आया मतलब दो तक इट इज ऑल फाइन ओके नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट इज थ्री मतलब एक्नोलॉजमेंट थ्री डॉट मीन दैट पैकेट नंबर थ्री हैज रीच द रिसीवर एक्नोलॉजमेंट नंबर थ्री का मतलब यह कि पैकेट नंबर दो तक पहुंच गया है जो पैकेट नंबर थ्री है वो एक्सपेक्टेड है जब एक्नोलॉजमेंट फोर आया था उसका मतलब क्या हो गया कि तीन तक यह सब कुछ पहुंच गया है अभी विंडो को फोर के बाद हम

जो कि ये स्लाइड में हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था इसमें जब पैकेट नंबर वन सेंडर ने भेजा था वो लॉस्ट हो गया तो पैकेट नंबर टू तो वो भेजेगा पैकेट नंबर थ्री सब कुछ भेजा उसके पास है एप्लीकेशन लेयर ने उसको भेजा था लेकिन ये जो पैकेट नंबर टू थ्री कुछ भी यहां पे एक्सेप्ट नहीं होने वाला रिसीवर के साइड पे क्योंकि वो तो वन पे फोकस्ड है उसको पैकेट नंबर वन चाहिए पैकेट नंबर वन तो बीच में ड्रॉप हो गया तो पैकेट टू थ्री फोर जो भी भेजो कुछ भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यहां पे टाइम आउट हो जाएगा ये टाइम आउट होने के बाद क्या होगा जितने भी आउटस्टैंडिंग पैकेट्स थे वो सारे के सारे पैकेट्स फिर से भेजने पड़ेंगे मतलब वन टू थ्री बस वन ड्रॉप हुआ था टू थ्री तो पहुंच गया था लेकिन रिसीवर ने रिसीव नहीं किया टाइम आउट होने के बाद वन टू थ्री पूरा भेजना पड़ा ये प्रॉब्लम है गो बैक एंड प्रोटोकॉल का बस एक लास्ट एक कॉन्सेप्ट है ये पढ़ाने के बाद ये वीडियो एंड होगा सो so, अगर हमारा जो एम जो है जो कि इतने बिट्स एक सीक्वेंस नंबर में है वो इस एग्जाम्पल में क्या है यहां पे सीक्वेंस नंबर्स कैसे जा रहे हैं जीरो वन टू थ्री तक जा रहा है मतलब चार सीक्वेंस नंबर्स हैं है ना फोर सो फोर इज इक्वल टू टू डिवर टू दिस इज इक्वल टू टू डिवर एम उसका मतलब क्या हो गया एम इज इक्वल टू टू तो इफ एम इज इक्वल टू टू मतलब चार सीक्वेंस नंबर पॉसिबल ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा तो इफ एम इज इक्वल टू टूट मीन टू बिट्स अ सीक्वेंस नंबर एंड कैन गो फ्रॉम जीरो टू थ्री फोर डिफरेंट सीक्वेंस नंबर्स देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम विंडो साइज मतलब विंडो साइज तो हमेशा उसका एक एक लिमिट होता है ना मतलब एक एक विंडो साइज का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इट इज ऑलवेज इक्वल टू टू टूर्थ पवर एम मतलब अगर सिक्सटीन सिक्वेंस नंबर आर दे मतलब विंडो साइज को हम सिक्सटीन हमेशा नहीं करेंगे उसका कोई तो एक मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा ये गो बैक एन के केस में वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहां पे ये क्लेम करता है कि द सेंड विंडो साइज इन गो बैक एन कैन नॉट बी इक्वल टू टूर्थ पवर एन मतलब उसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम टू टू दावर एम माइनस वन तक हो सकता है मतलब इस केस में एम क्या है टू 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 दावर टू इज फोर माइनस वन थ्री तो यहां पे देखो जो विंडो का साइज है यहां पे यहां से लेके यहां तक ये विंडो का साइज थ्री है दैट इज द मैक्सिमम विंडो साइज पॉसिबल क्यों क्योंकि उससे ज्यादा होने से प्रॉब्लम हो सकता है वो प्रॉब्लम कैसे होता है चलो देखते हैं तो यहाँ पे विंडो साइज थ्री है और यहाँ पे हमने पैकेट जीरो को भेजा उसका एक्नोलॉजमेंट ड्रॉप हो गया पैकेट नंबर वन भेजा उसका भी ड्रॉप हो गया पैकेट नंबर टू भेजा उसका भी ड्रॉप हो गया और यहाँ पे जो टाइमर है वो रिस्टार्ट हो गया रिस्टार्ट होने पर सेंडर क्या करेगा सेंडर देखिए कह रहे जीरो वन टू मैंने भेजा मेरे पास किसी का भी एक्नोलॉजमेंट है नहीं मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया है तो आई विल रीसेंड ऑल द आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग फिर वो जीरो को भेजना शुरू करेगा लेकिन यहां पे रिसीवर साइड में क्या हुआ है देखो जब जीरो पहुंच गया तो उसने स्लाइडिंग विंडो को वन की तरफ ले लिया फिर एक्नोलॉजमेंट वन भेजा जब वन पहुंच गया तो उसको वन मिल गया वन एक्सपेक्टेड था तो वो टू की तरफ चला गया जब टू मिला उसका एक्सपेक्टेड टू था वो थ्री की तरफ चला गया अब वो थ्री एक्सपेक्ट कर रहा है लेकिन सेंडर ने क्या किया फिर से पैकेट नंबर जीरो को रिसेंड किया क्योंकि उसके पास तो कोई एक्नोलमेंट पहुंचा नहीं है तो वन जीरो द रिसीवर विल बी एबल टू करेक्टली डिस्कार्ड पैकेट उसको तो थ्री चाहिए ना तो वो जीरो को डिस्कार्ड करेगा डुप्लीकेट मान के एक्नोलॉजमेंट में क्या भेजेगा थ्री चाहिए थी दो अगर वन भी आके पहुंच गया तो वन को डिस्कार्ड करेगा बोलेगा नहीं नहीं ये तो डुप्लीकेट है मुझे थ्री चाहिए एक्नोलॉजमेंट थ्री भेजेगा अगर टू भी आके पहुंच गया तो भी टू को डिस्कार्ड कर पाएगा बोल के कि नहीं नहीं मुझे तो थ्री चाहिए मुझे थ्री दो तो कहीं पे अगर यू नो एक्नोलेजमेंट थ्री जाके पहुंच जाता है सेंडर के बाद वो बोलेगा अरे थ्री पहुंच गया एक्नोलेजमेंट मतलब जीरो वन टू ये सारे के सारे इसके पास पहुंच गए तो द सेंडर विल मूव द विंडो तो ये करेक्टली काम करेगा यहां पे राइट साइड में क्या है द सेंड विंडो साइज इज एग्जैक्टली इक्वल टू टू दवर है मतलब पवर एम माइनस वन से एक ज्यादा है जो कि मैक्सिमम अलाउेबल विंडो साइज है एम का अगर कोई वैल्यू दिया गया है तो उससे वो ज्यादा है मतलब क्या है विंडो का साइज यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फिर से जीरो यहां पे विंडो का साइज फोर है वो जस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 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 दू यहां पे एम का वैल्यू टू है यहां पे वो काम नहीं करेगा मैं ये बोल रहा हूं कि मैक्सिमम साइज ऑफ द विंडो ऑन द सेंड साइड इन गो बैक एंड कैन बी टू टू दावर एम माइनस वन इट कैनॉट बी मोर देन दैट चलो यहाँ पे हमने ज्यादा कर लिया उससे लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इज पैकेट नंबर जीरो पहुंच नहीं पाया पैकेट नंबर वन गया एक्नोलमेंट पहुंच नहीं पाया टू गया पहुंच नहीं पाया थ्री गया पैकेट दैट ऑल्सो डिड नॉट रीच बट रिसीवर के साइड में क्या हुआ जीरो गया उसने वन पे ले लिया वन पहुंचा उसने टू पे ले लिया टू पहुंचा उसने थ्री पे ले लिया अब पैकेट नंबर थ्री जब गया इट वेंट टू जीरो अगेन द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट इज जीरो लेकिन कोई भी एक्नोलेजमेंट आके सेंडर के पास पहुंचा नहीं सेंडर का टाइम आउट हुआ व्हाट डज इट डू इट सेंड दिस पैकेट जीरो अगेन बट दिस जीरो विल गेट एक्सेप्टेड बाय द रिसीवर वाई बिकॉज इट इज इट इज एक्सपेक्टिंग पैकेट नंबर जीरो बट इट इज नॉट द सेम पैकेट जीरो सेंडर ये वाला भेज रहा है सेंडर इज रिसिंग दिस बिकॉज द एक्नोलेजमेंट फॉर दिस नेवर रीच द सेंडर इट इज ट्राइंग टू सेंड दिस जीरो पैकेट but the receiver is expecting this zero packet which is a different packet but, but when this zero packet is going to be resent because of the timeout what will happen the receiver will by mistake accept this zero packet as this zero packet and that is a problem that is why the sending window size can maximum be 2 to the power m minus 1 in go back n.